अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड की भारत के मैप्स में स्थिति देख लेते हैं कि कहाँ है आखिर उत्तराखंड। ये हमारा प्यारा भारत, इसमें चलेंगे हम लोग उत्तराखंड की तरफ। ये पहुँच चुके हैं हम लोग उत्तराखंड। देखिए ये आपका उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। इसकी सीमा आपकी उत्तर प्रदेश से लगती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग करके ही आपका उत्तराखंड बनाया गया। इसकी सीमा आपकी हरियाणा से भी लगती है और शिमला हिमाचल प्रदेश से भी लगती हुई है। इस तरह आपकी तिब्बत से भी लगती है और नेपाल से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड, इसकी राजधानी हो गई देहरादून और अस्थायी राजधानी है। प्रस्तावित राजधानी है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। सीमाओं की अगर बात करें तो इसकी सीमा उत्तर में आपकी तिब्बत से लगती है, चीन से, और हिमालय से भी लगती है। दक्षिण में आपकी उत्तर से, पश्चिम में आपकी हरियाणा हिमाचल प्रदेश से, पूर्व में आपकी नेपाल से। यानी कि उत्तराखंड की दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा देशों से सीमाएं लगती हैं, एक आपका चीन, दूसरा आपका नेपाल। अगर हम लोग उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 32 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच आपका स्थित है उत्तराखंड। क्षेत्रफल की बात करें तो यह है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी उत्तर दक्षिण 320 किलोमीटर है। उच्च न्यायालय इसका नैनीताल में है, अस्थायी है, आगे बदल जाएगा, कहीं और कर दिया जाएगा। देश का 27वां राज्य बना था उत्तरांचल। पहले हम लोग इसे उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम से जानते थे। यह आपका 9 नवंबर सन 2000 में अस्तित्व में आया था। 1 जनवरी सन 2007 से इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया, उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तरांचल का औपचारिक गठन आपका 9 नवंबर सन 2000 में हुआ। उत्तराखंड नामकरण 1 जनवरी सन 2000 में 7 में आया। मंडल की बात करें तो इसमें कुमायूं और गढ़वाल है। जिले की बात करें 13 हैं। तहसील आपकी 78। याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा हूँ, 2021 में जब आपकी दोबारा होगी तब उसमें आंकड़े अपडेटेड होते रहेंगे। विकास खंड आपके 95 हैं। कुल ग्राम की बात करें तो 16,826 हैं और आबाद ग्राम की बात करें इसमें तो आपकी 15,761 हैं। वन क्षेत्र की बात करें तो 34,662 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, यहाँ वन फैला हुआ है। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक है, यानी कि यहाँ केवल विधानसभा देखने को मिलेगी। विधानसभा सदस्यों की बात करें तो 70 आपकी जनता चुनती है, एक को मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। वर्तमान संसदीय क्षेत्र यानी कि लोकसभा की बात करें तो 5 सीटें हैं। राज्यसभा सदस्यों की आपकी सीटें 3 हैं। कितने? 3। आय का मुख्य स्रोत आपका वन संपदा और पर्यटन है, यानी कि यहाँ पर्यटन कुछ ज़्यादा ही होता है उत्तराखंड। मंत्रिपरिषद का गठन आपका 10 नवंबर सन 2000 में हुआ था। उत्तराखंड का खाता खुला है कुल 2192 यानी कि 2192.08 करोड़ से, समझ रहे हैं। आगे आपका जनसंख्या, उत्तराखंड की जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी 1,86,292 व्यक्ति। देश के राज्यों में 20वां स्थान है आपका जनसंख्या के मामले में इसका। पुरुष की बात करें तो यहाँ है 51,37,773, महिलाएं हैं आपकी 49,48,519। दशकीय वृद्धि की बात करें यानी कि 2001 से 2011 के बाद बीच जनसंख्या में वृद्धि, तो ये रही आपकी 18.8% की। साक्षरता आपकी यहाँ है 78.8%, जिनमें से आपके पुरुष हैं 87.4% और महिलाएं 70%, ठीक है। कुल साक्षर व्यक्तियों की बात करें तो यहाँ है आपके
68,80,953, जिसमें से पुरुष हैं आपके 38,63,768, महिला साक्षर हैं 30,17,245, 30 लाख कितना 30,17,17,245। लिंगानुपात की बात करें तो 963 है पिति 1,000 पुरुष पर, यानी कि 963 महिलाएं पिति 1,000 पुरुष पर हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। नदियां उनके किनारे स्थिर नगरों की बात करें तो जैसे गंगा नदी, इसके किनारे आपको बसे नगर मिल जाएंगी बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश। उत्तराखंड के हवाई अड्डों की बात करें तो पंतनगर, ये ऊधम सिंह नगर इसे बोलते हैं, जॉली ग्रांट देहरादून। प्रमुख दैनिक समाचार पत्र की बात करें तो अमर उजाला देहरादून से निकलता है, द हिमाचल टाइम्स ये देहरादून से, दैनिक जागरण ये भी आपका देहरादून से ही निकलता है। फिर आपका राजकीय दिवस, तो ये 9 नवंबर को इसका राजकीय दिवस मनाया जाता है। प्रमुख नगरों की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली आदि यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो दो हैं, एक आपका अल्मोड़ा और दूसरा है आपका पोडी गढ़वाल। राजकीय पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग है। राजकीय पक्षी हिमालयी मोनाल। राजकीय वृक्ष वुरांस। राजकीय पुष्प ब्रह्मा कमल। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो श्री सुरजीत सिंह बरनाला थे यहाँ के प्रथम राज्यपाल। पृथक मुख्यमंत्री प्रथम श्री नित्यानंद स्वामी यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई यहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उद्योगों की बात करें तो उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में वन संपदा होने से यहाँ वनों पर आधारित उद्योगों का विकास संभव हुआ है। एक खनिज संपदा है आपके, इन्हें भी देख लीजिए। एक खनिज के नाम हो गए, उत्पादन क्षेत्र हो गए। तांबा, तांबा आपका प्रदेश का कुमायूं क्षेत्र, चमोली, पोखरी और धनपुर में, नैनीताल, अल्मोड़ा, प्रोनी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगा। जिप्सम एक गढ़वाल, खरारी घाटी, खैरा, लक्ष्मण झूला, नरेंद्र नगीन, मधुधानी क्षेत्र आदि में देखने को मिलेगा। देहरादून छपीला क्षेत्र में, नैनीताल, खुरपाताल, मझारिया, फॉस्फोराइट आपको मिलेगा टेहरी गढ़वाल, रजगेनवा क्षेत्र में। फेराइट्स एवं एंडा लूसाइट्स ये आपका देहरादून में मिलेगा। लोह अयस्क ये आपके गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लोह अयस्क यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर आपका एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस ये आपका गढ़वाल, अल्मोड़ा जिला में देखने को मिलेगा। सीसा कुमायूं क्षेत्र, राय धरनपुर, रेलम, बेस्कन, ढसोली, दंडक में देखने को मिलेगा। देहरादून जिले में आपका कुमार, बरेला, मुधोल। अल्मोड़ा जिले में चैनापानी और बिलोन, टेहरी गढ़वाल में देखने को। चांदी आपका अल्मोड़ा अल्प मात्रा में देखने को मिलेगी। सेलखड़ी अल्मोड़ा में। मैग्नेटाइट एवं सॉफ्ट स्टोन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में देखने को मिलेगा। डोलोमाइट यह आपका देहरादून, नैनीताल में देखने को मिलेगा। चूना पत्थर देहरादून, नैनीताल, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। रॉक फॉस्फेट देहरादून, मसूरी, टेहरी गढ़वाल, दुरमाला, किमोई, मसराना, मालदेवता, चमसारी, नैनीताल में। संगमरमर आपका देहरादून, टेहरी गढ़वाल। टेल्क आपका अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। ये खनिज थे आपके और उनके जहाँ क्षेत्र में पाए जाते हैं उनके नाम। उत्तराखंड में आपका कुटीर उद्योग के विकास की उत्तम संभावनाएं विद्यमान है। देहरादून में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चूने की भट्टियाँ, बल्ब, चाय, कागज व लुगदी, चिराई उद्योग, वैज्ञानिक उपकरण, एंटीबायोटिक्स दवाएं आदि के बड़े और छोटे उद्योग भी स्थापित हैं यहाँ।
भारत सरकार के औद्योगिक संस्थानों की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार में मिलेगा, फाउंड्री फोर्ज ये हरिद्वार में, इंडियम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ऋषिकेश में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के उद्योगों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यहाँ आपका लैंसडाउन में देखने को मिलेगा, बैंत बाछड़िया ये देहरादून में देखने को मिलेगा, लकड़ी का फर्नीचर ये भी आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, लकड़ी की छड़ी खिलौने खेल का सामान ये सभी आपको नैनीताल में देखने को मिलेंगे। कहाँ? नैनीताल में। ऊनी कपड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा और बागेश्वर में आपको देखने को मिलेंगे। कागज पल्प ये लालकुआ नैनीताल में देखने को, कत्था और फर्नीचर हल्द्वानी नैनीताल में। धार्मिक और पर्यटक स्थलों की बात करें तो धार्मिक केंद्र जैसे आपने देखा होगा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री हरिद्वार ऋषिकेश, यहाँ से आपकी गंगा निकलती यमुनोत्री से आपकी यमुना। पहाड़ी केंद्रों की बात करें तो रानीखेत नैनीताल मसूरी अल्मोड़ा लैंसडाउन पौड़ी पिथौरागढ़। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मसूरी के बारे में पता होगा। यहाँ नवीन केंद्र भीमताल कोसानी डाक पत्थर नैनीताल। एक नज़र धार्मिक व दर्शनीय स्थलों पर भी डाल लेते हैं। नैनीताल तीन ओर पर्वतों से घिरी पर्वतीय नगरी है। भीमताल सात ताल नौकुचिया ताल खोरपाताल दर्शनीय स्थल हैं। मसूरी देहरादून पर्वतीय स्थानों की रानी है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान अकादमी स्थित है। रानीखेत अल्मोड़ा पुष्पों के उद्यान चीड़ के वन गोल्फ कोर्स हेतु इसे यह प्रसिद्ध है आपका रानीखेत। उसके बाद आपका है हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार संस्कृत साहित्य में मायापुरी या फिर मायाचित के नाम से प्रसिद्ध है आपका हरिद्वार। अनेक अनेक मंदिर भी हैं। हरि की पौनी में स्नान का विशेष महत्व भी है। फिर आपने सुना है ऋषिकेश ये भी हरिद्वार में स्थित है। रमणीक एवं तीर्थ स्थान अनेक अनेक मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका लेंस डाउन पौड़ी गढ़वाल ये बद्रीनाथ खंड के दर्शनीय हिम शिखर हैं। चक्राता देहरादून हिम शिखरों के दर्शन हेतु शांत और स्वास्थ्यदायक स्थान है। कटारमल अल्मोड़ा ये आपका बारहवीं सदी का सूर्य मंदिर है। कनखल ये भी हरिद्वार में स्थित है। दशेश्वर महादेव का मंदिर हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा। तपोवन ये टेहरी गढ़वाल लक्ष्मण जी की तपस्थली लक्ष्मण मंदिर लक्ष्मण झूला गंगा के तट पर स्वर्गाश्रम स्थित है आपका। फिर आपकी नंदा देवी ये आपका चमोली में देखने को मिलेगा। पिति 12वें वर्ष भाद्रपदी सात को धार्मिक आयोजन भी किया जाता है। अल्मोड़ा कश्यप पर्वत पर कौशिकी देवी का भव्य एवं पौराणिक मंदिर है। शुभ निशुभ दानवों के नाश हेतु पार्वती जी के शरीर से कौशिकी देवी का प्रकट हुई थी। यही ठीक। फिर आपका पिंडारी ग्लेशियर ये बागेश्वर में देखने को मिलेगा। रंग बिरंगे फूल आकर्षक हिमराशि सुरम वन पिंडरी नदी का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। गंगोत्री उत्तरकाशी एक गंगोत्री मंदिर है। गौमुख गंगा का उद्गम स्थल है। भागीरथी मंदिर है। पांडवों द्वारा प्रायश्चित स्वरूप किया गया यज्ञ स्थल है। यमुनोत्री ये उत्तरकाशी में स्थित है। यमुना मंदिर के निकट गर्म जल के स्रोत सूरकुंड के निकट दिव्यशिला हनुमान गंगा और टौंस नदियों का जल निर्गम क्षेत्र भी ये है। फिर आपने सुना होगा कार्वेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नैनीताल में देखने को मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य और वन प्राणी हेतु प्रसिद्ध है। पूर्णागिरी नैनीताल में पवित्र मठिया जहाँ देवी जी की मूर्ति विराजमान है। चैत्र माह में मेला भी लगता है। कन्वाश्रम गढ़वाल में नया नाम है इसका चौकीघाट। कन्वाश्रम से नंदगिरी तक का क्षेत्र सांसारिक भोग और मोक्ष विदायक है। यानी कि लगता है यहाँ मोक्ष भी की प्राप्ति हो जाती होगी मोक्ष प्राय। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शोध संस्थानों की और अन्य संस्थान। तो इसमें आपका इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये आपका देहरादून में देखने को मिलेगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार में ही देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च ये भी रुड़की में ही देखने को मिलेगा। पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ये पंत नगर ऊधम सिंह नगर में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय अंध केंद्र देहरादून में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका मसूरी में देखने को मिलेगा। इंडियन मिलिट्री अकादमी आपकी देहरादून में देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स रानीपुर हरिद्वार में। भारी विद्युत संयंत्र रानीपुर हरिद्वार में। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट ये रानीखेत में। क्षेत्रीय अभिलेखागार ये नैनीताल में देखने को मिलेगी। कहाँ? नैनीताल में। फिर आपके कुछ गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज भी हैं। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक काशीपुर नैनीताल में। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक नरेंद्र नगर टेहरी गढ़वाल। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक द्वारा आठ ये अल्मोड़ा में। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लोहाघाट ये आपका पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। यहाँ आपके कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं। ये दर्रे हो गए, संपर्क क्षेत्र हो गया। सुरंगकंठ ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। यागला ये उत्तरकाशी तिब्बत। मुलिंगला ये आपका 5669 मीटर ऊंचा उत्तरकाशी से तिब्बत। माना चिरबटिया चमोली तिब्बत। क्या? चमोली तिब्बत, इसे आप लोग डोगरी ला भी कहते हैं। नीति आपका चमोली तिब्बत। बाराहोती चमोली पिथौरागढ़। कोंगरी बिंगरी चमोली तिब्बत। दारमा पिथौरागढ़ तिब्बत। लिपू लेक पिथौरागढ़ तिब्बत। टेल पास ये बागेश्वर पिथौरागढ़। क्या है? बागेश्वर पिथौरागढ़। फिर आपके उत्तराखंड के जनपद हो गए, मुख्यालय तहसील विकासखंड। इसमें जनपद का नाम हो गया, मुख्यालय हो गया इसका, तहसील इसमें और विकासखंड। अल्मोड़ा ये जनपद है, इसका मुख्यालय अल्मोड़ा है। इसमें तहसील अल्मोड़ा बारामंडल रानीखेत यानी कि पाली आती है। इसमें विकासखंड आते हैं सियालदे चकुटिया भीकियासेन ताड़ीखेत सल्ट द्वारहाट लमगड़ा भीकियासेन धौला देवी। फिर आपका पिथौरागढ़, इसमें आता है आपका पिथौरागढ़, इसका मुख्यालय है। इसमें तहसील आती है धारचूला मुनस्यारी पिथौरागढ़ डीडीहाट। इसमें आपके विकासखंड आएंगे मुसियारी मुनस्यारी धारचूला बेरीनाग डीडीहाट कनाली छीना गंगोलीहाट। देहरादून, इसका मुख्यालय है आपका देहरादून। इसमें आपकी तहसीलें देहरादून चकराता विकासनगर ऋषिकेश। विकासखंड रायपुर डोईवाला विकासनगर चकराता कालसी सहजपुर। फिर आपका पौड़ी गहड़वाल में आपका मुख्यालय पौड़ी मिलेगा। इसमें तहसील मिलेगी पौड़ी थैलीसैंड कोटद्वार धूमा कोटा श्रीनगर। इसमें आपके क्षेत्र मिलेंगे, इसमें का ग्राम विकासखंड। क्या क्या मिलेंगे विकासखंड इसमें? थैली सैन हो गया, कलजी खाल हो गया, पोड़ी पाव कोट लेंसडाउन दुगड्डा बीरो खाल रेखली खाल द्वारी खाल पनाखेत यमकेश्वर पोखना नैनी डांडा रिवर्सू। फिर चमोली, इसका क्षेत्रफल, इसका मुख्यालय चमोली है। इसमें तहसील आती है आपकी चमोली जोशीमठ कर्णप्यार थराली पोखरनी गैरसैन। इसके जो विकासखंड होंगे गंगोली घाट मूनाकोट जोशीमठ बसौली घाट कर्णप्रयाग नारायणगढ़। पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं। फिर आपका नैनीताल, नैनीताल इसका मुख्यालय नैनीताल में है। इसमें तहसील आएगी नैनीताल हल्द्वानी रामनगर धारी कुआ कुटोली। इसमें विकासखंड आएंगे हवलबाग ताकुला भीकिया छाना हल्द्वानी रामनगर भीमताल रामगढ़ कोटाबाग बेतालघाट धारी ओखलकांडा। फिर आपने सुना होगा टेहरी गहड़वाल,
इसका मुख्यालय न्यू टिहरी है। इसमें आपकी शामिल है टिहरी, तहसीलें शामिल हैं टिहरी, प्रतापनगर, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, घनसाली, विकासखंड प्रताप नगर, जखनीधार, कोलधार, चंबा, घनसाली, जौनपुर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, कीर्ति नगर, भिलंगना। उत्तरकाशी, इसका मुख्यालय भी उत्तरकाशी है, तहसीलें इसमें डुंडा, राजगढ़ी, परौली, भटवाड़ी है। विकासखंड या मोरी, पुरोला, नौगांव, डुंडा, चिन्याली, सोंड, भटवाड़ी। फिर आपका ऊधम सिंह नगर, इसका मुख्यालय रुद्रपुर है, इसमें तहसीलें हैं काशीपुर, किच्छा, खटीमा, खिस्सेदारगंज, और विकासखंड है इसमें जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा। बागेश्वर, इसका मुख्यालय बागेश्वर है, इसमें तहसीलें हैं बागेश्वर, कपकोट, इसमें विकासखंड बागेश्वर, गरुड़, ताकुला और विकियासेंट आंशिक रूप से सम्मिलित हैं, इसमें कपकोट भी इसमें शामिल है। चंपावत, इसका मुख्यालय चंपावत है, इसमें तहसील भी आपकी चंपावत शामिल है, विकासखंड इसमें चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी, खटीमा भी इसमें आंशिक रूप से शामिल है। रुद्रप्रयाग, इसका मुख्यालय रुद्रप्रयाग में है, इसकी तहसील इसमें शामिल है रुद्रप्रयाग, उखीमठ, इसका विकासखंड है उखीमठ, अगस्त मुनि, जखोली, रिवर्सु आंशिक रूप से शामिल है। हरिद्वार, इसका मुख्यालय हरिद्वार में है, इसमें हरिद्वार, रुड़की और लक्सर इसमें तहसील शामिल है। रुड़की, भगवानपुर, नारसन, दाराबाद, लक्सर और खानपुर इसमें विकासखंड शामिल हैं आपके। ठीक है, ये आपके उत्तराखंड के ग्लेशियर यानी कि हिमनद दिए गए, ग्लेशियर का नाम हो गया, जनपद हो गया। गंगोत्री उत्तरकाशी में, मिलाप पिथौरागढ़ में, पोटिंग पिथौरागढ़, नाभिक पिथौरागढ़, पिंडारी बागेश्वर, सुंदर डुंगा बागेश्वर, कपनी बागेश्वर में। राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में देखने को मिलेगा, ये आपका 1935 में सबसे पुराना है, 1935 में स्थापना हुई इसकी। क्षेत्रफल है 521 वर्ग किलोमीटर में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है, इसकी स्थापना 1982 में की गई, क्षेत्रफल है 630 वर्ग किलोमीटर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में, स्थापना 1982 में की गई, क्षेत्रफल है 87 वर्ग किलोमीटर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में मिलेगा, 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये आप आपके विश्वविद्यालय में नाम हो गए, इनकी स्थापना वर्ष हो गया, स्थान वर्ष हो गया, स्थापना अधिनियम में निर्धारित आकार। रुड़की विश्वविद्यालय, अब आईआईटी देश का छठा आईआईटी संस्थान है, ये रुड़की में है, 1949 में इसकी स्थापना हुई। एकात्म प्रशिक्षण और एकात्म प्रशिक्षण या और आवासीय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये पंतनगर में देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना 1960 में की गई, आवासीय, अधिनियम में निर्धारित आकार। गुरुकुल कांगड़ी यह हरिद्वार में मिलेगा, 1902 में इसकी स्थापना की गई, आवासीय। कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल में मिलेगा, 1973 में इसकी स्थापना की गई, समृद्ध एवं आवासीय। सर आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी गढ़वाल में, श्रीनगर में देखने को मिलेगा, 1973 में इसकी स्थापना की गई, समृद्ध एवं शिक्षण अधिनियम। वन अनुसंधान ये देहरादून में मिलेगा, 1991 में इसकी स्थापना की गई, वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में। ये आपके कुछ उत्तराखंड के, उत्तराखंड में स्थित बांध है, बांध का नाम हो गया, निर्माण वर्ष हो गया, नदी हो गया, निकटतम नगर हो गया, और बांध की ऊंचाई हो गई मीटर में। इचारी, इसकी स्थापना 1975 में की गई, टोंस नदी पर है देहरादून में, देहरादून इसका नगर पास में ही है, 60 मीटर ऊंचा है। किसारू ये आपका टोंस नदी पर है, देहरादून में ही है, इसकी मीटर ऊंचाई होगी इसकी 253 मीटर। लखवार ये यमुना नदी पर है देहरादून में, 192 मीटर ऊंचा होगा। मनेरी भाली ये भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तरकाशी में, 39 मीटर ऊंचा होगा। टेहरी बांध
भागीरथी नदी पर टहरी में 261 मीटर ऊंचा, व्यासी यमुना नदी देहरादून में 61 मीटर ऊंचा। इनसे क्वेश्चंस आपके यही पूछे जा सकते हैं कि इचारी किस नदी पर स्थित है, कहाँ स्थित है, बस मुझे नहीं लगता है कि ऊंचाई कभी पूछी जाती है। फिर आपकी उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, इन्हें देख लीजिए। बंदर पर्वत शिखर हो गए, समुद्र सतह से इनकी ऊंचाई हो गई मीटर में, जनपद हो गए। नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, ये चमोली में स्थित है। कामेत, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर, चमोली में स्थित है। नंदा देवी पूर्वी, ये 7434 मीटर है, चमोली में। माना, ये 7273 मीटर है, चमोली में। चौखंबा, 7138 मीटर है, चमोली में स्थित है। त्रिशूल, 7120 मीटर है ऊंचा, चमोली में। दूनागिरी, 7066 मीटर है, चमोली में। पंचचोली, 7904 मीटर है ऊंचा, पिथौरागढ़ में। नंदाकोट, 6861 मीटर है, बागेश्वर में। बंदरपूंछ, 6315 उत्तरकाशी में। वन्यजीव बिहार दिए गए हैं, ये नाम हो गए, स्थापना वर्ष हो गया, क्षेत्रफल हुए, जिस जनपद में स्थित है उनका नाम। गोविंद वन्यजीव बिहार 1955 में इसकी स्थापना हुई, 953 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है उत्तरकाशी में। केदारनाथ वन्यजीव बिहार 1972 में इसकी स्थापना की गई, 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है चमोली में। अस्कोट वन्यजीव बिहार 1986 में स्थापना हुई, 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पिथौरागढ़ में। सोना नदी वन्यजीव बिहार 1987 में स्थापना हुई, 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गढ़वाल में। बिनसन वन्यजीव बिहार 1988 में फैला हुआ है में स्थापना हुई, 7646 वर्ग किलोमीटर में अल्मोड़ा में। मसूरी वन्यजीव बिहार 1993 में 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है देहरादून में ही। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी उत्तराखंड की।